हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनको दूसरी लिस्ट चेक करने का पता नहीं लग रहा है, कहाँ से ऑनलाइन चेक हो रही है, कहाँ से चेक करनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बताऊंगा कैसे चेक करनी है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन आपको सेकेंड लिस्ट कैसे चेक करनी है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो कक्षा वन की जो दूसरी लिस्ट है उसको चेक करने के लिए आपको जिस भी केंद्रीय विद्यालय का में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था उसी की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैंने देखिए KVIMA देहरादून का ओपन कर लिया है। जिसमें भी आपने अप्लाई किया है उसमें आप इस टाइप से, मैं बता रहा हूँ, ऐसे चेक कर लेना है। हो सकता है कि कई कई विद्यालय ने अपडेट नहीं किया हो, लेकिन एक बार ज़रूर चेक करना, जैसे मैं बताता हूँ उसके हिसाब से। अभी यहाँ पे देखिए, वही मैंने जो पहले वीडियो में कवर किया था उसी के अकॉर्डिंग चलना है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे अनाउंसमेंट सेक्शन में चले जाना है हमें। अनाउंसमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 मई को ये दूसरी लिस्ट का PDF दे रखा है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और भी मैं इसमें इस वीडियो में कवर करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि कुछ जो विद्यालय हैं जिनकी अभी ऑफलाइन एडमिशन भी होने हैं कुछ टाइम के बाद, तो मैं उसका पूरी आपको बताऊँगा कि कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई होगा, क्या उसका प्रोसीजर है, सारा बताने वाला हूँ। तो पहले तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ देखना कि यहाँ पे इस जो विद्यालय है इसमें काफ़ी सीट्स बची हुई है, मतलब जो सेकंड लिस्ट में देखें, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इन क्लास 1 2022-23 सेकंड लिस्ट में फ्रेंड्स इतने बच्चों का इस विद्यालय में एडमिशन हुआ, इसमें काफ़ी वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई है। आप इधर वेटिंग लिस्ट भी देख सकते हैं, वेटिंग लिस्ट 35 और 40, 47, और मतलब 47 जो, मतलब ये देखिए लॉटरी नंबर है, इसके आगे देखिए 17, 18 जो, मतलब देखिए यहाँ पे 38 वेटिंग लिस्ट तक भी क्लियर हुई है, तो इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और उसके नीचे भी देखिए यहाँ पे 52 तक जा रखी हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चों का, यहाँ पे 65 बच्चों का सेकंड लिस्ट में नाम आया है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर चेक करना, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया हो, सेकंड में आ गया हो, तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हर कैटेगरी में ही यहाँ पे क्लियर हुई है, सारी कैटेगरियों में दोबारा से सीट्स आई हैं, ठीक है। तो आप अपना ज़रूर चेक करना। और दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ, दूसरा तरीका ये है कि आपको जो लिस्ट है ये चेक करने के लिए आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड पर ऑफलाइन जाके चेक करनी है, वहाँ पर तो आपको पक्का मिल ही जाएगी। यदि यहाँ पे नहीं हो, हो सकता है किसी विद्यालय ने अपडेट नहीं किया हो, लेकिन वहाँ पे तो आपको पक्का मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं जो कवर करने वाला था कि जो एडमिशन जो ऑफलाइन प्रोसेस है वो कब से और क्या स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में, अभी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखिए, एक इन्होंने नोटिफिकेशन जो दिया था शेड्यूल का, उसमें देखिए यहाँ पर शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग NCL प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं हो तो ऑफलाइन। फ्रेंड्स, इन्होंने ये बोला है कि यदि जो इन्होंने अभी जो लिस्ट का ड्रा चल रहा है उसमें यदि पर्याप्त आवेदन नहीं हो पाएंगे, जैसे सीट वैकेंट रह जाएंगी तीनों लिस्ट के बाद भी, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये ऑफलाइन नोटिफिकेशन निकालेंगे 12 मई को ऑफलाइन नोटिफिकेशन निकालेंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 12 से और 18 के बीच में, मतलब वो ऑफलाइन फॉर्म भरवाएंगे, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा वहाँ पे जिस भी KV में। अब ये सभी KV का ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी KV में आपको ये ऑफलाइन वाली सीट्स मिले, लेकिन बहुत से में हो सकता है खाली रह जाए, किसी किसी में मिलेंगी ये, तो आपको ये चेक कर लेना है वहाँ के जो आप स्कूल के नोटिस बोर्ड पे जैसे सेकंड या थर्ड लिस्ट जो भी चेक करेंगे वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप तीसरी चीज़, ये जो उसकी जो डिस्प्ले ऑफ लिस्ट जो एडमिशन की होगी वो 23 से और 30 के बीच में, मतलब एडमिशन भी होंगे लिस्ट भी लगेगी, ठीक है। अभी ये इन्होंने क्लियर नहीं किया है, तो ठीक है। तो आप इसमें ऑफलाइन के लिए भी देख सकते हैं कि आप अपने जैसे KV में जाएंगे वहाँ पे नोटिस बोर्ड में लगा देंगे कि उसमें वहाँ पे सीट वैकेंट बची है कि नहीं, ऑफलाइन एडमिशन होंगे कि नहीं, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे लगा दी जाएंगी, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।